खबर है यूपी के बरेली शहर से, जहां थाना आंवला के अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या कर लेने और परिजनों द्वारा आरोप लगाए जाने के संबंध में संपूर्ण प्रकरण की जांच एसपी ग्रामीण को दे दी गई है। वहीं चौकी इंचार्ज को पुलिस प्रशासन से हटा दिया गया है, जहां अपहरण हुई युवती को ढूंढने के बदले में दरोगा ने उसके पिता से 1,00,000 रुपए मांगे। वहीं पैसे न देने पर गाली गलौज कर उसे कई बार चौकी से भगा दिया गया, जिससे कि दुखी होकर पीड़ित ने फांसी लगा ली। सुबह पत्नी सुशीला देवी ने पति का शव फंदे पर लटका देख चिल्लाने लगी तो ग्रामीण लोग एकत्र हो गए। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की, तो उस दौरान आरोपी दरोगा को 160 नोट मिला, जिसमें दरोगा का जिक्र होने पर उस नोट को फाड़ दिया गया। इसी बात को लेकर गाँव के लोग भड़क गए और पथराव करने लगे। सूचना मिलने पर आंवला थाना प्रभारी 3 थानों की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। सूचना पर पहुंचे एसडीएम और सीओ के समझाने पर ग्रामीण शांत हुए, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें, यह पूरा मामला आंवला थाना क्षेत्र के गांव मऊ चंद्रपुर के रहने वाले 55 वर्षीय शिवपाल का है, जो कपड़ों की फेरी करते थे। बताया यह जा रहा है कि बीती रात 8 अप्रैल को उनकी बेटी सुषमा को गाँव का ही रहने वाला बंटी यादव अपहरण कर अपने साथ ले गया, जिसके बाद से ही शिवपाल रामनगर चौकी के चक्कर काटता रहा। इसी बात को लेकर शिवपाल काफी परेशान था। पुलिस के इस रवैये से परेशान होकर देर रात शिवपाल ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया, जिससे कि गांव के लोग भड़क गए और 1,00,000 पुलिस कर्मियों पर पथराव करने लगे जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। थाना आंवला के अंतर्गत एक प्रकरण संज्ञान में आया, जिसमें 8 तारीख को एक लड़की और लड़का दोनों एक ही गांव के थे और वो दोनों चले गए थे। लड़की के पिता के द्वारा लड़के के ऊपर और उसके घरवालों के ऊपर 366 आईपीसी का मुकदमा 9 तारीख को पंजीकृत किया गया था और इसकी विवेचना चल रही थी। लड़की लड़के को बरामद करने का प्रयास जारी था। इसी बीच आज सुबह जो लड़की है उसके पिता के द्वारा आत्महत्या कर ली गई, और मौके पर जब विवेचक पहुंचे तो लड़की घर वालों के द्वारा उनके ऊपर हीला हवाली, लापरवाही और पैसे मांगने का आरोप लगाया गया, और ये कहा गया कि जो लड़की के जो पिता हैं उनके द्वारा इसी वजह से आत्महत्या की गई है, क्योंकि जो चौकी इंचार्ज हैं वो इस तरह का कार्य कर रहे थे, और उनको एक सुसाइड नोट भी वहाँ पर दिखाया गया। इस पूरे प्रकरण में क्षेत्राधिकारी मौके पर पहुंचे, उनके द्वारा लड़की पक्ष को समझाया गया, साथ ही साथ जो मृतक का जो शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, साथ ही साथ जो वहाँ पर चौकी इंचार्ज है उनके ऊपर आरोपों को देखते हुए उनको वहाँ से हटा दिया गया, और इसमें एसपीआरए को संपूर्ण प्रकरण की जांच दे दी गई है, और आरोपों में अगर लेश मात्र भी स्थिरता पाई जाएगी तो विवेचक के ऊपर भी इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी और विभागीय कार्रवाई भी उनके ऊपर की जाएगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।